नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CKA न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी के नेतृत्व में नगर पालिका प्रांगण में योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह 5 बजे से 7:46 तक सभासदों अधिकारियों कर्मचारी द्वारा योग किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी द्वारा कहा गया कि योग हमारी पुरातन संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज योग से ही अपने दिन की शुरुआत करते थे, मगर जब से देश की भागदौड़ हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई है, तब से देश ही नहीं पूरी दुनिया में 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का UNO में दिया गया वह ऐतिहासिक भाषण है, जिसमें उन्होंने योग के बारे में होने वाले फ़ायदों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था, और उन्हीं की बातों से कन्वेंस होकर UNO ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसके आगे बोलते पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मानवता के लिए योग एक ब्रह्मास्त्र है। आइए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना के न सिर्फ योग से बीमारियों को जीते, बल्कि स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ रखें, क्योंकि किसी भी देश के लिए इससे बेहतर कोई सौगात नहीं हो सकती कि उसके युवा स्वास्थ्य, स्फूर्ति, जोश और उत्साह से भरे हों। तो आगे बढ़िए, योग को अपने जीवन में शामिल करिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। चौगामा की आवाज़ के लिए संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्राणायाम है, व्यायाम है, योगा है, ये हमें अपने जीवन में बहुत जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। और आज जो है हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के जो है ये फोटोग्राफ जो है ये ऊपर तक जाएंगी, इससे बहुत अच्छी तरीके से आप लोग खड़े होंगे। पहले 4-5 जने, फिर उसके पीछे बीच में खड़े हों, जिससे सभी लोग दिखाई दें। फोटोग्राफ आने में भी आपको बहुत जैसे सामने की तरफ छेद खड़े जाएं, फिर उसके बीच में खड़े हो जाएं, फिर उसके बीच में खड़े जाएं।